जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। आपको लाइव तस्वीरें इस समय गांव गढ़ी गुजरान से दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं समय कांग्रेस से प्रत्याशी राकेश कांबोज की बेटी अपूर्वा कांबोज इस समय गांव गढ़ी गुजरान में पहुंची हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं समय राकेश कांबोज का काफिला गांव गढ़ी गुजरान में पहुंचा है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आई तस्वीरें आप देख सकते हैं गांव गढ़ी गुजरान से आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं समय कांग्रेस से प्रत्याशी राकेश कांबोज की बेटी पूर्वा कांबोज इस समय गांव गढ़ी गुजरान में पहुंची है और इस समय फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। समय खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं समय गांव गढ़ी गुजरान से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पर अपूर्वा कांबोज पहुंची है वोटों की अपील करने के लिए और उनके साथ उनकी राकेश कांबोज की बहन है जो यहां पर पहुंची है, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव गढ़ी गुजरान से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। लगातार गाँव के चुनावी दौरे समय होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं समर्थकों के बीच जाकर के वोटों की अपील करती नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय गांव गढ़ी गुजरान से दिखाई जा रही हैं। देख सकते हैं समय कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। समय देख सकते हैं राजेश कांबोज जिस समय राकेश कांबोज के बड़े भाई हैं उनको इस समय पगड़ी पहना करके उनका स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें आपको समय गांव गढ़ी गुजरान से दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तस्वीरें आप देख सकते हैं समय गांव गढ़ी गुजरान से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर पगड़ी दे करके उनका सम्मान किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां तेज है और ऐसे में आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता और इस समय जो कार्यकर्ता है वो इस समय गांव गांव जाकर के वोटों की अपील करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। क्या कुछ कह रहे हैं इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता, आइए सुनवाते हैं आपको। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं समय जो कांग्रेस के नेता हैं उनको इस समय गांव के लोग जो हैं सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको इस समय गांव गढ़ी गुजरान से दिखाई जा रही है। गढ़ी गुजरान से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां पर देख सकते हैं सुमित मडान को भी समय सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। रामपाल कमाल पर को भी देखिए इस समय गांव के लोग जो हैं सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। जरूर रखना कि बीजेपी ने हमारे साथ क्या किया, हमारा क्या काम किया। मैं किसानों की बात करूं तो आपने देखा होगा 13 महीने किसान बैठे रहे सड़कों पर और 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने एक भी श्रद्धांजलि नहीं दी, बल्कि किसानों को उल्टा उग्रवादी, अलगाववादी, आंदोलनजीवी के नामों से पुकारा गया। महिला पहलवानों की बात देखिए, एक कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इन्होंने क्या किया, हमारी महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटा, उनको न्याय नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। हमारी बहन विनेश फोगाट 3 बाउट लगातार जीती, लेकिन प्रधानमंत्री या बीजेपी के किसी भी एक व्यक्ति ने उसको बधाई नहीं दी। लेकिन जैसे ही डिस्क्वालीफाई हुई, जैसे मोदी जी इंतजार कर रहे हो वो डिस्क्वालीफाई होंगी, उनको एकदम कहा कि तुम चैंपियन हो। ये भी एक साजिश थी। आप देखिए सरपंचों के साथ क्या किया, सरपंचों के अधिकार छीने, फिर उनकी अच्छी तरह से पिटाई की। अब सैनी साहब कहते हैं कि हमने इनको अधिकार दे दिए। अरे आपका तो एक भी पास किया हुआ कानून लागू नहीं हुआ 54 दिन की आपकी सरकार थी। रही बात आंगनवाड़ी की, उनको पीटा गया। अब ये एक बात कहते हैं कि पर्ची खर्ची से हमने नौकरी दी। इनका सेक्रेटरी था ज्वाइंट सेक्रेटरी एचपीएससी का नागर, उसके घर से करोड़ों रुपए मिले, उसकी जेब से नंबरों की पर्चियां मिली जिनको उन्होंने लगाना था, और ये कहते हैं बिना पर्ची खर्ची के दी। जो भी एचपीएससी का मेंबर था या एससीएससी का मेंबर था, उनके बड़े बड़े महल खड़े हो गए और कहते हैं कि हमने बिना पर्ची खर्ची के दी। तो इस सरकार ने जो नौकरी दी वो दी डी ग्रुप की जो 8वीं पास को मिलती है, और वो किन को दी, जो पीएचडी है, एमए है, जिनको लेक्चरार लगना चाहिए था उनको पीएन की नौकरी दी, ये नौकरी इन्होंने दी। सम्मानित बुजुर्गों, आज समय बदलाव का, और बदलाव प्राकृतिक का नियम है।
10 साल की सत्ता, महंगाई आज चरम सीमा पर, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान को छू गए, हमारी जो कीटनाशक दवाइयां थी उन पर जीएसटी लागू की गई, आज फल का जो रेट वो बढ़ा दिया गया और वजन कम कर दिया गया। कहने का तात्पर्य, कीड़ी से लेकर हाथी तक का पेट किसान भरता है। ये किसान पुत्र और भारत राष्ट्र हमारा कृषि प्रधान देश है, जब जब भी किसी तानाशाह ने किसानों से धोखेबाजी की, तभी तभी मजदूरों और किसानों ने, कमेरे वर्ग ने आंदोलन के बलबूते पर अंगड़ाई लेकर उन तानाशाह राजनेताओं को उनको धराशायी करने का काम किया। तस्वीर आपको गांव गढ़ी गुजरान से दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कंबोज की बेटी अपूर्वा कंबोज और उनकी बहन इस समय यहां पर पहुंची है वोटों की अपील करने के लिए, और साथ साथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहां पर इस समय अपना संबोधन देते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको इस समय गाँव गढ़ी गुजरान से दिखाई जा रही है। गाँव गढ़ी गुजरान से गाँव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। भाई राकेश कंबोज जी को टिकट दे करके कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच में भेजा है। माननीय हुड्डा साहब ने इनके ऊपर विश्वास जताया है, क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और हमारे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आने वाले चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और आप सभी से मेरा तो निवेदन है, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो मेरा तो यही नम्र निवेदन है कि आप भाई राकेश कंबोज जी को ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके कामयाब करें, क्योंकि आपका गांव एक संघर्षशील गांव है। यहां पर जब किसानों का मोर्चा लगा हुआ था, तब भी इस गांव से सबसे ज़्यादा लोगों ने उत्साह दिखाया, और एक हमारे बीच में से भाई शायद तेजवीर नाम था उनका, तो वो शहीद हुए थे और हम उस टाइम भी यहाँ पर आए थे। तो ये हम आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि आगे ऐसा ना हो, किसानों के साथ मारना पड़े, क्योंकि हुड्डा साहब ही एक कांग्रेस हितैषी सरकार है, तो ज़्यादा उन्हीं के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद। तस्वीर आपको दिखाई जा रही है समय गांव गढ़ी गुजरान से, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों का समर्थन और सहयोग इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। गांव गढ़ी गुजरान से आपको लाइव तस्वीरें समय जनता दल खबर दिखाई जा रही है। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मेरी माताएं बहने, गांव के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, मेंबर साहब, साथ में चलते ब्लॉक समिति के सदस्य, हम सभी मिलकर हमारे जिला परिषद के वार्ड नंबर 4 के गांव गढ़ी गुजरान में अपनी बेटी राकेश कंबोज जी की बेटी अपूर्वा का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं एक बार जोरदार तालियों से। साथियों, काफी देर से आपकी गर्मी में बहुत इंतजार कर रहे हैं, मैं क्योंकि मैं आप ही का हिस्सा हूँ, आप ही का बच्चा हूँ, आपकी बात करो मैं समझ रहा हूँ, सिर्फ 2 लाइन बोलूंगा, बाकी आप सभी समझदार हैं। आज का जो माहौल है विधानसभा में, जो सब जो हरियाणा में सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा उसका चुनाव है, और उसमें कांग्रेस की लहर चली हुई है, 60 से 70 सीटें। लाइव तस्वीर आपको समय गाँव गढ़ी गुजरान गांव से दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं आज चुनाव प्रचार के चलते कांग्रेस से प्रत्याशी राकेश कंबोज की बेटी अपूर्वा और उनके बड़े भाई समय वोटों की अपील करने के लिए गांव गढ़ी गुजरान गांव में पहुंचे हैं। लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। अपनी सरकार आने वाली है, इस सरकार ने किसानों के लिए आपको पता है कितने अत्याचार किए, हमारे दिल्ली बॉर्डर पर 800 किसान मारे गए, जिनमें से हमारा एक भाई राजेश इस गांव का था। इस सरकार का ये एक ऐसी कीमत साबित होगी कि इस सरकार को उखाड़ने के लिए ये कीमत एक पत्थर की कीमत साबित होगी बिल्कुल ही। इसके अलावा हमारे अंबाला के अंदर 100 किसान शहीद हो गए, इस सरकार ने इसमें हमारे खिलाड़ी परेशान, हमारे मुलाजिम परेशान, इसमें इतना किया क्या है सरकार ने, सरकार ने इसमें एक काम किया है, आपस में धक्के करवा रही है, जातिवाद में इसमें देश को फाड़ रही है, और अपने जातिवाद में कह लो, आपस में हमारे SC PC कह लो, दूसरी जाति कह लो, इसने 36 बरादरी का ऐसा बंटवारा कर दिया बेटियों की तरह कि ये आपस में लड़ते रहे और हम अपना राज करते रहे, लेकिन जनता समझदार है, इनकी बातों में जनता आने वाली नहीं है।
आने वाले समय में कालका जरिए के इस्तेमाल का दर्द इस बीजेपी का सपोड़ा साफ हो रहा है, आप यदि देख रहे होंगे। और आगे वहां से गुड़गांव से लेकर हिसार शिक्षा तक इन तो ज्यादा सीट कह दीजिए, कम सीट कह दीजिए, हमारी सीट 80 सीट आ रही है हरियाणा के अंदर इस समय। कांग्रेस पार्टी भाइयों बहनों वो समय याद करो जब कहते थे कि हुडा तेरे राज में और चिरी गई जहाज में। आपके याद होगा नारा, ये नारा कोई झूठा नारा नहीं था, सही नारा था। पिछले 10 साल से किसानों की इतनी दुर्दशा हो रही है कि आज ये मंडी में हालात है, चिरी मंडी में बिक नहीं रही और इतने मंदा रेट कर रखे है, क्यों कर रखे है? बड़े बड़े सरमायादार से पैसे खा लिए, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर है सबको बांध के पैसा इकट्ठा करके इस चुनाव प्रचार में उस पैसे को झोंक रहे हैं। मेरे भाई पीछे कह रहे कई महिला कश्यप इसकी हमारे जो रामपुर कश्यप है इसकी लड़की चलती नहीं, बोले कहते नहीं चलती इसकी भाई, इसकी बहुत चलती है। इसका लड़का है वहां गदम सर धर्मनगर में, उसने वहां से पिछले 2 साल में इतना धन इकट्ठा कर लिया कि उसकी गिनती नहीं हो सकती। और वो पिछले 2.5 साल से गुड़गांव के अंदर लगा हुआ है एक अवसर बहुत बड़ा, वो जितने भी पोल्यूशन का काम होता है, जो शराब की फैक्ट्रियां हैं, शराब के कारखाने हैं, जो बड़े बड़े पुतों से संबंधित है पोल्यूशन से, सारे से मोटे करोड़ों रुपये कमा है बिल्कुल वो। और मेरा एक मित्र एक IAS है, उसको मिले को परसेंट चोट गई, वो उससे बात चल गई उसकी भी, आप चुनाव में क्या कर रहे हो, क्या चुनाव में क्या करना, वोटर बोलने लगे शराब बांटते हैं भाई, आप वोटर बोल लेके शराब बांटने वाले को वोट देने के लिए तैयार हो गया, बताओ तैयार वैसे को है? जिसकी सोच ही ऐसी हो, हमारे यहाँ के इतने की जनता है, इन्होंने राकेश कपूर जी को एक ऐसा नेता बना दिया कि उसके ऊपर सारे भाइयों का आशीर्वाद है। राकेश कपूर को नेता आप लोगों ने बनाया, खुद नेता नहीं बना, उसका एक एक खून का कतरा आपके लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, ये मेरा विश्वास है और आप सबका भी विश्वास है इसके अंदर। मेरे भाई ने नारा दिया था कि अब की बार 1 लाख पार, अरे अब की बार 1 लाख पार करोगे, एक बार बोल के बताओ अब की बार 1 लाख पार आपके घर पे, तो अभी करोगे नहीं करोगे आप, अब की बार 1 लाख पार, अब की बार 1 लाख पार, तो 1 लाख पार कैसी होगी ऐसे 5 साल हमारा विधायक कौन होगा, अगले 5 साल किसकी सरकार, फिर से ये समय हमारे पास आया है कि हम लोगों को तय करना है कि अगले 5 साल में हमारा विधायक कौन होगा। आप सभी जानते हो कि कांग्रेस पार्टी ने आप सबके भाई, आप सबके बेटे राकेश कांबोज जी को टिकट देकर सम्मानित किया है और मुझे पूरा आश्वासन है कि आप सब जिस प्रकार से पहले से भी कांग्रेस पार्टी को जिताते आए हो, उसी प्रकार से आप इस बार भी कांग्रेस को वोट देकर भाई राकेश कांबोज जी को 1 लाख पार वोट देकर विधायक ही नहीं बल्कि सीधा मंत्री बनाओ। और दुख की बात है कि जब किसान आंदोलन हुआ तो यहाँ से राजेश जी शहीद हो गए और भी दुख की बात है कि इसी प्रकार से राजेश जी की तरह और कितने हमारे किसान भाई कुर्बान हुए, लेकिन इस तानाशाही सरकार के कानों पे उस टाइम भी कोई चू तक नहीं रहेगी थी। ये 3 काले कानून इन्होंने हमारे किसान भाइयों को इतना परेशान किया, इतने किसान भाई कुर्बान हुए, इतने घर उजड़े। भाइयों और बहनों आप सभी को मैं ये आश्वासन देने आई हूँ कि आने वाले टाइम में जब कांग्रेस की सरकार होगी तो हमारे किसान भाइयों के लिए ज्यादा से ज्यादा जितनी भी मदद हो पाए उतनी मदद की जाए। आप सभी जानते हो कि पिछले कुछ समय में जब ये भाजपा की सरकार थी तो हमारा इधरी हलका ऐसा हो चुका है कि सभी सड़कें टूटी हुई हैं, ना तो युवा के पास कोई रोजगार है, ना हमारी माताओं बहनों की शिक्षा के लिए
तो जवाब हमें कह दिया जाता है कि हमारी तो चलती नहीं है। अरे सरकार तुम्हारी, सेंटर में भी सरकार तुम्हारी, विधायक तुम, और फिर ऐसे कैसे तुम्हारी कुछ नहीं चलती। भाई विधायक का तो इतना जोर होता है कि विधानसभा में मांगे रखकर पूरी विधानसभा को चुप करा जाए, लेकिन ऐसा विधायक होना भी तो चाहिए जो बुलंदी से बोल सके, जो दिल ठोक के जनता की मांग कर सके। ऐसा नेता अगर कोई है तो आप सब बखूबी जानते हो कि आप सबके भाई, आप सबके बेटे राकेश कांबोज जी में वो जज्बा है कि वो जनता की मांग को विधानसभा तो क्या जितनी ऊपर लेकर जा सकते हैं, वो जनता की आवाज को उतनी ऊपर लेकर जाने का गौरव रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया जिसमें उन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ संकल्प लिए और कुछ घोषणाएं की है, चाहे वो गरीब आदमी हो या वो किसान हो, हमारी माताएं बहने हो या फिर युवा हो, हर वर्ग को साथ में लेकर चलने की बातें कही है। कुछ बातों पर थोड़ा अंश डालना चाहती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है कि सरकार बनने पर हर बुजुर्ग को, हर दिव्यांग को, हमारी विधवा माताओं बहनों को हर महीने 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ जिन बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती, जिनकी पेंशन रोक दी जाती है, उन बुजुर्गों की पेंशन भी दोबारा से शुरू करवाई जाएगी। हमारी माताओं बहनों को और मजबूत करने के लिए उनको गैस सिलेंडर तो आज के टाइम में 1,000 रुपए तक का हो चुका है, वही गैस सिलेंडर माताओं और बहनों को मात्र 500 रुपए में दिया जाएगा। साथ ही माताओं बहनों को उनकी आर्थिक मदद के लिए हर महीने उनको 2,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वे घर का छोटा मोटा खर्च उठा सके। इसी के साथ हमारे किसान भाइयों को जिनको सही दाम नहीं मिलते, उन सभी को, हमारे किसान भाइयों को MSP की गारंटी भी दी जाएगी। साथ ही आप सभी बखूबी जानते हो कि हमारे किसान भाइयों का कोई कर्जा माफ नहीं होता। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा तो माफ करा दिया जाता है, लेकिन जब हमारे किसान भाइयों की बात आती है तो किसी का कोई कर्ज माफ नहीं होता, चाहे वो किसान भाई फांसी लगाए, चाहे वो जहर खाए, इस सरकार को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने पर हमारे किसान भाइयों का जरूरत पड़ने पर कर्जा भी माफ कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी भाई राकेश कंबोज, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। साथ ही हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जिनके पास पक्के घर नहीं है, उन सभी को 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे और उन प्लाटों पर मकान भी बनाकर दिया जाएगा। साथ ही 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, उसका कोई बिल नहीं भरना होगा। आप सभी जानते हो कि हमारे हरियाणा में खास तौर पर बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है। गांव-गांव में बच्चे खाली बैठे हैं, सारा दिन फोन चलाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। माताएं बहनें मेरे पास आती हैं शिकायत लेकर, भाई हमारा लड़का नौकरी लगवा दो, ये बेरोजगार घूमता है। बेरोजगार होने की वजह से नशा भी ज्यादा बढ़ रहा है, बच्चे गलत संगति में पढ़ते जा रहे हैं। तो और आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं है, हरियाणा के अंदर 2,00,000 नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं जिनकी भर्ती नहीं कराई जाती। सरकार की नीति है कि युवा बेरोजगार रहेगा तो हम उसे अपना झंडा थमाकर पूरे हल्के में फिराएंगे, ये उनकी नीति है। आपको बेरोजगार रखना, आपको वंचित रखना। कांग्रेस पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ये घोषणा भी की है कि सरकार आने पर जितनी भर्तियां ये खाली पड़ी हैं, सभी भर्तियों को भरा जाएगा
और सभी हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको नौकरियां दी जाएंगी। इसी के साथ 25 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकार द्वारा कराया जाएगा, ये भी आश्वासन दिया गया है। भाइयों और बहनों, ये तो कुछ संकल्प हैं जो मैंने आप सबके सामने रखे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार में ऐसे 7 नहीं, ऐसे 70 संकल्प लिए जाएंगे जनता के हित में। और वो सिर्फ संकल्प और सिर्फ घोषणाएं नहीं होंगी, उनको पूरा भी किया जाएगा और हमारे इंद्री हलके का बढ़ चढ़कर विकास भी किया जाएगा। वो तस्वीरें इस समय गांव गढ़ी गुजरान से दिखाई जा रही है, जहां पर अपूर्वा इस समय चुनाव प्रचार में जुटी है, उनसे बात करेंगे। अपूर्वा जी, क्या कुछ कहेंगे, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों में बहुत जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों की समस्याएं क्या लग रही हैं आपको, जिस तरीके से चुनाव में तेजी है, कुछ दिन बाकी है, क्या लग रहा है इसको लेकर? लोग इस सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहाँ गांव-गांव में जा रही हूँ, अलग अलग तरीके की समस्या लेकर मेरे पास आ रहे हैं और जनता बदलाव चाहती है और बदलाव आएगा। और इस बार तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है और इंद्री में तो राकेश कंबोज जी आने वाले हैं। क्या लगता है कि बीजेपी जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, इस चीज को लेकर के कहेंगी जनता? बीजेपी जो है जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, बिल्कुल भी नहीं उतर पाई है और यही कारण है कि जनता निराश है और जनता बदलाव की मांग कर रही है। ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। ये थी अपूर्वा, उनका साफ तौर पर कहने के जिस तरीके से कांग्रेस की लहर है, ऐसे में जो आगामी रणनीति है चुनाव प्रचार की वो बनाई जा रही है। भाई तस्वीर आपको इस समय गाँव कड़ी गुजरान से दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार व प्रसार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से राकेश कंबोज को इस समय वोटों की अपील करने के लिए उनके बड़े भाई और बेटी इस समय पहुंची हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गाँव कड़ी गुजरान गाँव से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव कड़ी गुजरान से पंकज कुमार।